मेकअप पार्टी मेकअप करना सिखाऊंगी, और नॉर्मली अपने घर में जो सामान होता है हमारे पास उस सामान से आप मेकअप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या ये बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट, ऐसे मामले जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब कोई सा भी प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं पर इतना ज़्यादा भी नहीं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप नॉर्मली प्रोडक्ट से कैसे मेकअप कर सकते हैं, वो भी थोड़े मेकअप में आपको बहुत सुंदर बनाना है। आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए, आपके पास पहले तो लिपस्टिक होनी चाहिए जो कि डार्क कलर की, अगर आप किसी भी पार्टी में जाते हैं और अगर आप लेडी हैं उनके लिए डार्क कलर बहुत अच्छा लगता है रेड, और अगर आप गर्लिश हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मैट कोई भी अच्छा सा कलर जो आपको पसंद हो, और आप एक लाइनर, और आपको लूज पाउडर, एंड आपको फाउंडेशन, इन तीन चार चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है और बाकी नॉर्मली मेकअप हो जाता है इन सब चीज़ों से। और फिर मैं आपको मेकअप करना बता, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फेस क्लीन करना है। मेरे पास है क्लीनर इसलिए मैं टिश्यू से कर लेती हूँ, वरना आप पहले मुंह धो के करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे आपका थोड़ा फेस और ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, उससे भी हो जाता है अगर आप करना चाहते हैं तो आप टिश्यू पेपर से भी कर सकते हैं। पहले आप अपना रिमूव करेंगे पूरा फेस, जो कि आपके स्किन में कुछ भी डस्ट होता है वो सारा बाहर आ जाता है, इसलिए हम अपना मुंह वॉश करते हैं। ये तो आप सबको ही पता होगा, ये सब आजकल अपने घर में मेकअप कर लेते हैं, बट कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसमें कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करें। मैं भी कहूँगी ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करें, बट जिनके पास नहीं होता वो कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कुछ हो जाए या नहीं, क्योंकि सब सोच समझ के ही लेते हैं प्रोडक्ट। और आपके पास मेकअप के लिए स्पंज होना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे सब मेकअप अच्छा होता है। आप किसी भी कहीं से भी ले सकते हैं, ये स्पंज नॉर्मली ले सकते हैं, अगर आपको आप सुटेबल हैं कंपनी का यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ का कर सकते हैं, मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ तो आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा ठीक हो गया, अब इसका सारा पानी निकाल लेते हैं फिर हम आपको बताते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है। हमारे पास कोई भी क्रीम हो, सबसे पहले अपने फेस पे अप्लाई करनी है कोई भी क्रीम, तो मैं नॉर्मली बता रही हूँ तुम्हें, फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं क्रीम, जिससे कि हमारे फेस में ज़्यादा दाने और कुछ ना हमारे फेस को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, हमने लगा ली क्रीम, अब हम अपना बेस बनाएंगे। जैसे आपके पास जो भी अपने स्किन टोन का ले रखा होगा फाउंडेशन वो लीजिए, और इसके साथ एक क्रीम आती है, अगर आप वो सजेस्ट कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं फाउंडेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक बूंद डालनी है, फिर ये आपको मैच करना है, एक हाथ से भी मैच कर सकते हैं। मैश करने के बाद आप अपने स्किन पे अच्छा, तो मेरे पास तो फिटमी का है, मैंने अभी अफोर्ड किया है क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है तो मेरा हस्बैंड थोड़ा अमीर है, ठीक है, इसीलिए, वरना मैं अदरवाइज नॉर्मली यूज करती थी शादी से पहले। तो इसको मैं यूज कर रही हूँ अपनी आईज पे, सबसे ज़्यादा अपनी आईज पे लगाना होता है क्योंकि हमें अपनी आईज को थोड़ा ब्राइट करना होता है, तो उससे हमारा ग्लो आता है, फिर ये हम अपने फेस पूरे फेस पे लगाएंगे, इसको डैप डैप करके फिंगर से लगा सकते हैं आप। तो
अच्छे से लगाना है। पर मैं ये जरूर कहूंगी कि अपना स्किन टोन का ही ले फाउंडेशन, अगर आप बाहर से परचेज करते हैं तो थोड़ा नॉलेज रखिए और अपने स्किन का जितना ही टोन लोगे आप फाउंडेशन का उतना ही अच्छा होगा। और फिर इसको डैब डैब करना है अपनी आईज पे बिल्कुल स्लोली स्लोली अच्छे से, इसमें बिल्कुल भी रिंकल नहीं पड़ना चाहिए। देखिए मेरा ये साइड दिख रहा है आपको एकदम क्लीन, अच्छे से मैंने मैट कर लिया है इन्हें डैप डैप करके। तो हमें ऐसा ही, हमें इस साइड भी ऐसा ही करना है। दाने हो जाते हैं बहुत सारे, किसी किसी को नहीं होते हैं बट किसी को एलर्जी होती है तो हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वॉश जरूर करें अपने घर में अच्छे से साबुन से। और अगर आप किसी के हाँ हैं पार्टी में हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो कोई टिश्यू पेपर लीजिए, उसको थोड़ा सा गीला कीजिए और फिर अपने अपने फेस को अच्छे से साफ कीजिए। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप घर में मेकअप करते हैं तो जैसे जैसे मर्जी कर लेते हैं, बट अगर आप ऐसे करेंगे तो वो और थोड़ा सुंदर लगेगा। आई शेडो में
इतने ही कलर थे, तो जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने अपनी आईज पे अप्लाई किया है। और अगर आपका भी पास ऐसा ही होता है कि आपके पास कोई कलर नहीं मिल रहे हैं, आपके पास आई शेडो में जो भी कलर है जो आपको अपनी ड्रेस से अगर मैचिंग के होते हैं थोड़े बहुत, तो वो लगाने चाहिए। और अदरवाइज ये कलर तो बहुत यूनिक होते हैं, ये आप कभी भी किसी भी ड्रेस पे लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। ठीक है, तो मेरे पास, मेरे को ग्रीन लगाने का मन था बट मेरे पास कोई ग्रीन नहीं था, तो ये कलर होना कंपल्सरी है। ये कलर होगा तो और सुंदर लगेगा, तो बाकी चल जाएगा जो मर्जी लगाना चाहते हैं। मैंने आई शेडो कम्प्लीट किया है अपना, अब मैं इस पर लाइनर लगा दूँगी। ये देखिए मेरे पास पेंसिल वाला भी लाइनर है, पेन वाला लाइनर है मेरे पास, ये पेंसिल वाला ये शायद ये लाइनर है, मैं इससे ही लगाती हूँ लाइनर। ये मेरे को लाइनर बहुत अच्छा लगता है लगाने में, बट मैं हर किसी से लाइनर लगा लेती हूँ। ब्रश वाला लाइनर भी आता है मुझको लगाना, ऐसा भी ऐसा नहीं है कि आपको यही मैं कह रही हूँ, बट अच्छा लगता है मेरे को लगाना तो मैं इसी से लगाती हूँ। अब देखिए आई शेडो लगाया मैंने और लाइनर, इन दोनों से ही हम कितने सुंदर लग रहे हैं। आईज हमारी चेंज हो गई नहीं। और इस लाइनर का ये खास बात है, इसका काजल बहुत सुंदर लगता है। ये लाइनर इसीलिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे आंखों में, क्योंकि काजल नहीं दिखता है। जब भी मैं काजल लगाती हूँ सारा निकल जाता है, ब्लैक 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 हो जाता है। बहुत सारे लोगों का होता होगा और किसी किसी का नहीं होता, तो मेरे को बहुत सुंदर लगते हैं वो इंसान, इसीलिए मैं तो परेशान हो गई उस सब देख के कि कैसे टिकता होगा काजल। जब से मैंने ये लाइनर लगाना स्टार्ट किया है और मैंने आईज में भी अप्लाई किया है तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका मेरी आंखों से कोई कनेक्ट नहीं है कि बाहर बह जाएगा और निकल जाएगा। इसको हम इतने स्मूथली अपनी आंखों में लगा सकते हैं, तो मेरे को बहुत पसंद है। और अगर किसी का लगता नहीं है तो आप ये जरूर लीजिए। अभी हमें अपनी आईब्रो भी सेट करनी है, अभी हमें मस्कारा भी लगाना है, तो हमारा थोड़ा सा चेंज और हो जाएगा। मस्कारा मैं ज़्यादा मैबलिन की चीज़ें यूज करती हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए पहले से पहले नॉर्मली कुछ भी यूज़ कर लेती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ अगर आप कुछ भी नॉर्मली यूज़ करते तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी केयरफुली रहना चाहिए। तो इसीलिए लोग आजकल बोलते हैं कि हमें प्रोडक्ट अच्छी प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए। फिर भी अगर हम ऑब्वियसली हम बाहर मार्केट में जा रहे हैं खरीदने, तो हम अच्छे ही सामान खरीदेंगे, अपनी स्किन को तो कोई नुकसान पहुँचाएंगे नहीं, तो इसीलिए आप भी पैसे वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा अच्छा ही खरीदिए, थोड़ा खरीदिए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा कीजिए और उसी से आप सुंदर बन जाएंगे।
उसके बाद फेस पाउडर लगाना है तो इतना पता नहीं चलेगा। अब हम अप्लाई करेंगे अपनी आईज में आईब्रो पेंसिल, ये तो सबके पास होगी। अब हम इसको अपने अंडरलाइन करेंगे, जिसका लाइट होता है उसके लिए भी है और जिनको आजकल तो सबकी लाइट ही होती है, मेरे को लग रहा है मैक्सिमम लोगों की, क्योंकि मेरी भी बहुत लाइट है, मैं पेंसिल ही यूज करती हूँ। और जिनके ब्राउन हेयर है तो वो ब्राउन लगा सकते हैं, ब्राउन बहुत सुंदर लगती है। आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी आईब्रो को थोड़ी चढ़ा के, फिर उस पर ऐसे करके एक एक्सटेंशन बनाएं। इसके लिए आपको ड्राइंग आना जरूरी नहीं है, फिर भी हमको अपने फेस पे ड्राइंग करनी होती है थोड़ी सी, तो हम थोड़े सिंगल हो जाते हैं। आप बताइए मेरी आंखें कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है? ठीक है, अब हम यूज करेंगे अपनी लिपस्टिक, क्योंकि हमने मेकअप तो पूरा मोस्टली कंप्लीट कर लिया था। आपको पता ही है मैंने ज्यादा कुछ यूज नहीं किया है, आपके सामने ही यूज किया है जो किया है। शादी से पहले कभी रेड नहीं यूज किया मैंने, मेरे को अब खुशी होती है कि मेरे को रेड लिपस्टिक लगाने को मिल रही है, क्योंकि मेरी तीन तीन सिस्टर हैं, वो मुझे कभी मेकअप करने नहीं दिया उन्होंने। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, अब ना ही मैं इसमें आपको कुछ पंची लगाने दे पाऊंगी, नहीं कुछ, बस इसमें हमें एक लास्ट काम करना है। हमारे पास कोई भी, आपके पास लूज पाउडर होना जरूरी है, नहीं भी है तो फिर भी हमारा फेस तो हो गया है कंप्लीट, पर थोड़ा सा आपका टचअप आ जाएगा इसलिए मैं कह रही हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। जो आपका गीला गीलापन है वो नहीं रहेगा और ये आपका कंप्लीट मेकअप हो जाएगा। हम कोई भी हेयर स्टाइल बना सकते हैं और हेयर स्टाइल की मैं आपको अगली बार जरूर बताऊंगी हेयर स्टाइल में क्या बनाना है। और अब ये देखिए मेरा लुक, कैसे लग रही हूँ मैं? यही आपका लेक्चर आएगा अगर आप ऐसे करते हैं मेकअप तो। आपको इसमें कुछ भी यूज करने के लिए मैंने नहीं कहा है एक्स्ट्रा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जितना मेकअप आता था
मैंने उतना ही अप्लाई करती हूँ, उतने में मैं सुंदर लगती हूँ। इसीलिए मैंने यही सोचा, सब लोग तो बताते हैं ये यूज कीजिए वो यूज कीजिए, ये ऐसा तो नहीं सोचते ना, किसी के पास नहीं होगा, अर्जेंटली हमें कहीं जाना है और हमें एकदम से रेडी होना है तो हम कैसे करेंगे, हमें तो नहीं पता। तो इसके लिए ही मैंने सबके लिए ये टिप बनाया है। थैंक यू।